Dear students, I am Dr. Harbhan Singh from the Department of Business Administration, SPC, Government College Ajmer. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, वर्गीकरण को पढ़ लिया था, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है प्राइवेट कंपनी का, निजी कंपनी का. वैसे देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने कंपनी के जो सार्वभौमिक गुण हैं जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, जो यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमने पढ़ लिया, तो कंपनी के बारे में हम थोड़ा जान चुके हैं. तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को इसलिए लिया गया है क्योंकि आपने पार्टनरशिप पढ़ लिया है, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा हुआ है. तो हम दो चीज़ें थोड़ा अलग से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी और एक पढ़ेंगे वन पर्सन कंपनी. तो ये दो जो टाइप्स हैं कंपनी के वो थोड़े से इंट्रोडक्टरी हैं नेचर में, जिससे कि हमको पता लगता है कि वास्तव में कंपनी की वर्किंग किस प्रकार से होगी, और कुछ चीज़ें ऐसी जो पता होना चाहिए आप लोगों को कि जो हमारे जो यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सार्वभौमिक गुण हैं कंपनी के, वो किस प्रकार से कंपनी के साथ में चलते हैं. कुछ यहाँ पर टर्म्स आएंगी जो आपको बताई जाएंगी, उनसे आपका जो आगे का बेस है वो तैयार होगा. तो कंपनी लॉ का जो टिपिकल पार्ट है, वैसे तो आपने बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है, आपको टिपिकल नहीं लगेगा, लेकिन उन टर्म्स को जानना ज़रूरी होता है ताकि एक बेस प्रिपेयर हो जाए और आप थोड़ी कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं उनको समझ पाएँ. मुझे लगता है कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो शायद थोड़ा डिफ़िकल्टी फील कर रहे होंगे समझने में, लेकिन मेरा कहना यहाँ पर यह है कि यदि आप कुछ इंग्लिश के टर्म्स को ध्यान में रखेंगे तो ये आपके आगे के लिए थोड़ा ठीक रहेगा. आपको जब आप और एडवांस लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे, चाहे वो लॉ का हो चाहे वो कोई दूसरा हो, तो ये आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा. तो क्योंकि अब आप बीकॉम सेकंड ईयर में हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर इंग्लिश ही इंग्लिश चल रही है या तो आपको समझ में नहीं आएगा. आपको चाहिए कि आपको जो शब्द समझ में ना आए आप उस शब्द को डिक्शनरी में सर्च करें और उसके बारे में आप देखें, उसका यूज़ करें. आप जब भी आपको कहीं पे भी लिखना होता है कुछ भी, तो आप उस शब्द का यूज़ करें. उसका जो नेचर है वो आपको डिक्शनरी में पता पड़ जाएगा कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कोई जो शब्द है, शब्दों का समूह है, वो जो है, तो फ्रेज जिसको हम कहते हैं, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी. तो ये एक वजह हो सकती है कि आपको शायद डिफ़िकल्टी हो, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आपकी जो इंग्लिश का जो पार्ट है वो एनरिच होगा. हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमको हिंदी छोड़ देनी है, हम हिंदी यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा कदापि नहीं है, लेकिन आपकी कम से कम दो भाषाएं तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक हिंदी और दूसरी इंग्लिश. मेरी कोशिश है मिक्स में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो समूह है वो उसमें इंग्लिश मीडियम बच्चे भी हैं, हिंदी मीडियम बच्चे भी हैं, दोनों तरह के बच्चों के समूह को ये लेक्चर शेयर होता है. तो आप कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे. तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी, जैसा कि आप समझ सकते हैं, निजी कंपनी जो है जिसमें कि जो लोग या लोगों का समूह है, कंपनी है तो लोगों का समूह होगा, लेकिन एक छोटा समूह होगा. जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में, इसमें 200 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. 200 लोगों का समूह जो है वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, वो ही प्राइवेट कंपनी बना पाएंगे.
और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके साथ में हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि गुणों के आधार पर ही हम प्राइवेट कंपनी को दूसरी कंपनी से या दूसरी कैटेगरी ऑफ कंपनी से हम अलग रख पाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो एक ऐसी कंपनी है, कंपनीज एक्ट की हम अगर बात करें तो, जैसा कि कंपनीज एक्ट में कहा गया है। अब कंपनीज एक्ट क्या कहता है? अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। जैसा कि कंपनीज एक्ट में कहा गया है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल उतनी हो जितना कि एक्ट में कहा गया है, और उसके साथ में कुछ उसके कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाए तो वो कहलाएगी प्राइवेट कंपनी। और वो कंडीशन है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की, जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, 200 व्यक्ति से अधिक नहीं हो सकते, पब्लिक से हम पैसा नहीं ले सकते, डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते, और जो जमाएं हैं हम उनकी जो जमाएं हैं वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और एक कंडीशन इसमें बहुत अच्छी है कि जो मेंबर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ नहीं हो सकते, इसमें ये प्रोहिबिशन है। तो जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं वो अब जो शेयर होल्डर बनेंगे तो वो कंपनी के मेंबर्स बने रहेंगे। तो ये वो कंडीशंस हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी है उस वो इन गुणों के साथ में प्राइवेट कंपनी कहलाती है। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसके विशेषताओं की या गुणों की। देखिए, अभी हमने बात किया कि जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत कम है, 200 ही है, तो ट्रांसफरेबिलिटी प्रोवाइड कराना इतना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, इसमें जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स है वो बहुत क्लोज़ है, बहुत क्लोज़ ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, तो यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना आवश्यक भी नहीं है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन है मेंबरशिप के ऊपर, 200 व्यक्ति से अधिक इसमें नहीं हो सकते। यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इसलिए भी इम्प्लाई की गई है क्योंकि अगर अधिक मेंबर होंगे तो उनकी हो सकता है कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हों वो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हों, और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होने के साथ साथ उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो भी लार्ज होगा, तो लार्ज जो सेटअप है वो प्राइवेट कंपनीज के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ हैं वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर शेयर्स, देयर सिक्योरिटीज़। तो पब्लिक को अगर वो अगर सब्सक्राइब करवाते हैं तो 200 जनों 200 जो लोग हैं वो फिर 200 लोग नहीं रह पाएंगे, वो अधिक हो जाएंगे, तो फिर वही समस्या वही आनी कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो कंपनी का सेटअप है और जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हैं वो कंपनी की पूरी नहीं हो पाएंगी। प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से वो जमाएं स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर वो पब्लिक से जमाएं स्वीकार करेंगे तो जो दूसरे लॉज हैं वो एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे, तो जो सेबी जो रूल्स हैं वो भी एग्जिस्टेंस में आएंगे, तो वो प्राइवेट कंपनीज को अधिकार नहीं दिए हुए हैं। कंपनीज एक्ट जो है वो प्राइवेट कंपनी को जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको अधिकार नहीं देता है कि वो जनरल पब्लिक से यानी आम लोगों से जमाएं स्वीकार करें। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि जो आर्टिकल्स हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर जो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसा होगा, उनके बायलॉज क्या होंगे, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पता चलेगा।
तो आर्टिकल्स ऑफ जो एसोसिएशन है वो इंटरनल मैनेजमेंट का पूरा उसको गवर्न करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। तो इस केस में जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स जो होंगे वो वेल डिफाइन होंगे। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जो आर्टिकल्स वेल डिफाइन है उनसे ही जो मैनेजमेंट है वो उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। देन मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स। देखिए यहाँ पर मिनिमम नंबर जो हैं दो हो सकते हैं अदर देन ओपीसी, और मैक्सिमम नंबर 200 हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेंबर्स फिक्स है और इसी के साथ में डायरेक्टर्स भी फिक्स हैं। 15 हो सकते हैं डायरेक्टर्स, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। डायरेक्टरशिप के लिए हमारे पास अलग से चैप्टर है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि 15 डायरेक्टर से अधिक नहीं हो सकते हैं। एडिशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स विद द नेम, वो पता करने के लिए कि ये कौन सा लिमिटेड है, पीवीटी डॉट लिमिटेड, एलटीडी डॉट, या फिर सिंपली प्राइवेट लिमिटेड, वो नाम क्या के लिख देते हैं तो पता पड़ जाता है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। डिस्ट्रिक्शन आइडेंटिफिकेशन के लिए ये चाहिए होता है। अब बात आ रही है नो प्रोस्पेक्टस की, प्रविवरण नहीं होना होता इसमें, तो प्रविवरण की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम आम लोगों से सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं, हम अपने शेयर्स को इशू नहीं कर रहे हैं जनरल पब्लिक को, तो यहाँ पर प्रविवरण की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो गुण हैं, ये प्राइवेट कंपनी के गुण हैं, इन्हीं के आधार पर हम दूसरी कंपनी से प्राइवेट कंपनी को अलग रखते हैं। तो इन गुणों के आधार पर आपको पता चलेगा कि जो प्राइवेट कंपनी है वो किन-किन आधारों पर दूसरी कंपनी से अलग है। तो जब हम बात करेंगे डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी और ओपीसी और अदर कैटेगरी ऑफ द कम अदर कैटेगरीज ऑफ कंपनीज, तो हम इनको बेसिस ले सकते हैं डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट में जो लेक्चर रहेगा, हम उन प्राइवेट कंपनीज के जो प्रिविलेजेस हैं और एग्जेम्पशंस हैं उनकी हम बात करेंगी। देन वी विल फिनिश अप द चैप्टर। थैंक यू सो मच।